उष्णा, उष्णा, उष्णा मेरी बात सुनो, उष्णा, देखो प्लीज ऐसे मत करो, मेरे पास बहुत बहुत गिने चुने रिश्ते हैं, बहुत चंद रिश्ते हैं, प्लीज उनको मुझसे मत छीनो उष्णा, प्लीज उनको मुझसे मत छीनो। मैं ना तुम इस वक्त सिर्फ फारिस का सोच के कह रही हूँ, अबू के बारे में तुम सोच ही नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो क्या घर बैठेंगे अगर मैं चली गई फारिस के साथ। तो उष्णा मुझे सिर्फ फारिस भाई या मामू की इज्जत का नहीं, मुझे पूरे खानदान का ख्याल है, प्लीज तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। उष्णा मनाल, दादी 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 इसको समझाए, फारिस भाई ने कसम खाई है अगर उष्णा उनके साथ नहीं गई तो वो खुदकुशी कर लेंगे। क्या? जान दे देंगे वो अपनी, इन्हें समझाए। और दादी अगर मैं फारिस के साथ चली गई तो अब वो अपनी जान दे देंगे, मैं क्या करूँ? दादी से प्लीज समझाने की कोशिश करें फारिस भाई। देखो बेटा, फारिस ने अगर कुछ ऐसा वैसा कर लिया ना तो यकीन मानो हम सब मुंह देखते कि देखते रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है उष्णा, फारिस भाई पुलिस लेकर आए, देखो अगर तुम ऐसे नहीं जाओगे तो वो तुम्हें जबरदस्ती लेके जाएंगे, क्या फायदा होगा उष्णा, मामू की इज्जत और उछलेगी। लोगों को तमाशा बनाने का मौका मत दो, प्लीज जगह साई का मौका मत दो। घटिया इंसान, मुझे अंदाजा था कि ये हरकत तुम ही कर सकते हो, तुम्हें अपनी इज्जत का तो कोई ख्याल नहीं, हमारी इज्जत भी रौंदने के लिए चले आए हो। मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की, अगर आप उष्णा को मेरे साथ भेजने पे तैयार हो जाते मुझे पुलिस की मदद लेने की जरूरत ही पेश ना आती। जमाल साहब, तो आप लड़की को खुद बुलाएंगे या हम तलाशी लें? आप तलाशी कैसे ले सकते हैं, मुझे अपने वकील से बात करने दें। आप हमें तलाशी लेने से रोक नहीं सकते, हम भी पूरी कार्रवाई के साथ आए हैं, ये ले। प्लीज मुझे खुद गर्ज मत समझो, मुझे जमाल मामू और तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई अजीज नहीं है, तुम भी ये बात जानती हो, प्लीज चली जाओ उष्णा, कहीं ऐसा ना हो एक छोटी सी गलती हमें जिंदगी भर के पछतावे में धकेल दे। बेटा देखो, इस वक्त फारिस की जिंदगी और हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, प्लीज मान जाओ। दादो मैं कैसे, अब वो सारी जिंदगी मेरी शक्ल तक नहीं देखेंगे, मुझसे सारे ताल्लुकात खत्म कर देंगे, आप क्या जानती नहीं होंगे? देखो बेटा, देखो बेटा, इस वक्त तुम फारिस के साथ चली जाओ, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बाप को मनाकर मैं तुमसे मिलवाने के लिए लाऊंगी, लेकिन खुदारा इस वक्त चले जाओ, जमाल तुम्हारा बाप है, तुमसे बहुत दिन तक नाराज नहीं रह सकता, मान जाएगा, मगर अभी मेरी जान तुम चली जाओ, मेरे बस में होता ना तो तुम्हें मैं इस तरह से कभी रुखसत न करती, दिल पे पत्थर रखकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ। यकीन करो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। मनाल बेटा, इससे पहले कि वो लोग इसको आके यहाँ से ले जाए, तुम इसका थोड़ा सा सामान पैक कर लो और हम इसको बाहर लेकर जाते हैं। चलो चलो आज तुम सामान रखो। दादू मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। अम्मा आप उष्णा को अंदर ले जाएं। ठहरे फारिस पुरा साहब, ये आपकी बेगम है? जी। एक मिनट रुक जाइए, आप मेरी बेटी को इस तरह नहीं ले जा सकते। प्लीज प्लीज, ये आप मुझे जबरदस्ती पर मजबूर ना करें। बंधन पल में टूटे दिल
अब बंद करो ये रोना धोना। जब मर जाऊंगा ना तो यहां से बहा लेना। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो, लेकिन जो हरकत तुमने किया ना फारिस, वो ठीक नहीं। ठीक किया या गलत, मुझे जिद दिलाने का कोई नतीजा तो निकलना था ना। ओह, तुम्हें सिर्फ जिद हो तुम्हारी और कुछ नहीं। मैं तो मोहब्बत ही समझता रहा, लेकिन कल एहसास हुआ मुझे कि तुम सिर्फ रिश्ता निभा रही। अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत होती ना तुम्हें मुझसे, तो मेरे साथ जाने पे इनकार मत करती। तुम जिस फारिस से मैंने मोहब्बत की थी, वो तो मुझे यहाँ नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा हो नहीं सकता था कि तुम सिर्फ अपना सोचो, मेरी परवाह तक ना हो। हाँ, जब तुम्हारी नजरों में मेरी मोहब्बत की कोई इज्जत नहीं है तो मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जिदेंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।